सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमके एग्ज़ाम प्रिपरेशन और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के भूगोल का भौतिक स्वरूप, जिसमें हम लोग CGPSC के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जिसमें 60 शब्द, 100 शब्द, 125 और 175 शब्द में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें कितना आंसर लिखना चाहिए, उस चीज़ का डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में हम लोग प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय से स्टार्ट करते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यहाँ पर हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। तो दोस्तों, हमारा जो भारत का जो भौतिक स्वरूप किससे मिलकर बना है, तो पर्वत से, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह से, जिसका हम लोग और डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। तो भारत का वर्तमान भौतिक स्वरूप तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे थे और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचल के साथ साथ बाह्य शक्तियों जैसे अपक्षय, अपरदन और विशेषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो देखते हैं कि हमारा जो भारत का जो क्षेत्र है, भौतिक स्वरूप है, वो कितने कितने प्रतिशत में कौन कौन से चीज़ों में विभाजित है। तो यहाँ पे मैप में आप लोग देखिएगा, यहाँ पे डिटेल में अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ देखिए, 10.6% पर्वत में विभाजित है, 18.5% में पहाड़ियों का विस्तार है, 27.7% में पठार है तथा 43.2% में मैदानी भाग है। तो दोस्तों, यहाँ से प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है। तो यहाँ पे 18.5, ऐसे ही बाकी सारे को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैप में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका जो विभाजन है उसको देखते हैं, मैप में उसका एनालाइज करेंगे। तो यहाँ देखिए, भारत के मुख्य भू आकृतिक प्रदेश जिनका विभाजन निम्नानुसार है, उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर उत्तर का विशाल मैदान, फिर भारतीय मरुस्थल प्रदेश, फिर समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो दोस्तों, इसे हम लोग मैप से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, मैप में जो सबसे उत्तर का पार्ट है वो पश्चिमी हिमालय में आता है और जो हमारा ये उत्तरी मैदान है जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि के क्षेत्र आते हैं, और पूर्वी मैदान जो पूर्व की तरफ है तथा पूर्वी हिमालय भारत के सबसे पूर्वी सीमा पर है तथा असम का मैदान, वैसे ही यहाँ पे उत्तर पूर्व पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। पश्चिम में जाते हैं तो थार मरुस्थल का विस्तार है, वैसे ही हम लोग दक्षिण में आते हैं तो दक्कन का पठार, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी पहाड़ियाँ, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप आदि में सारे हमारे जो भारत के भौतिक स्वरूप है वो विभाजित है। अगर मध्य में देखें तो पूर्वी पठार, दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि, उत्तर मध्यवर्ती उच्च भूमि आदि क्षेत्रों में विभाजित है। दोस्तों, ये इस टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर है, बाकी सारे लेक्चर्स को मैं अलग अलग से वीडियोस अपलोड करूंगा अपने चैनल में। तो इसमें हम लोग आज उत्तरी पर्वत श्रृंखला से जो क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं उसका एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी ग्लेशियर और पर्वतीय भाग है उसका अच्छे से मैं वीडियो अपलोड करूंगा और उसमें प्रीलिम्स की भी फैक्ट को ऐड करूंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें उत्तरी पर्वत श्रृंखला को देखते हैं। तो सबसे पहले पर्वत श्रृंखला क्या है उसकी परिभाषा देखते हैं। तो विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार के लंबे तथा सक्रिय पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप में पाया जाता है, तो उसे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। परिचय देखते हैं, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत भूगर्भिक रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित तथा विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा, भूगर्भिक रूप से युवा अर्थात नवीन तथा बनावट के दृष्टिकोण से हिमालय का आकार कैसा है, तो वलित है। ये रिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, तो उसकी
जो बनावट है कैसी है, तो मोड़दार है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है। याद रखिएगा, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है। यहाँ पे उत्तरी पर्वत श्रृंखला को हमारा CGPSC 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका परिचय। तो इसके निर्माण कैसे हुआ देखते हैं। तो हिमालय के निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल के दौरान संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत एवं अमेरिकी भूवैज्ञानिक हरिहंस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वत का पालना कहा है। यह लंबे सकरे व छिछले जलीय भाग होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कोबर के भूसन्नति सिद्धांत को 60 शब्दों में CGPSC पूछ सकता है। तो यहाँ पे मैंने इसको 60 शब्दों में बनाने की कोशिश किया है। आपको इसको, आप इसको बुक में जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 33 भूसन्नति थी, अर्थात 33 सागर थी, जो उत्तर में अंगारा लैंड भूभाग को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। याद रखिए, यहाँ पे यही इसके की फैक्ट है कि 33 भूसन्नति थी, मतलब कि 33 सागर से घिरा हुआ था, अर्थात हिमालय के जगह में 33 सागर था, ठीक है, जो अंगारा लैंड भूभाग को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। इन दोनों के अवसाद 33 भूसन्नतियों में जमा होते रहे एवं इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा। इसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों में दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ। क्यूनलून एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ, मतलब कि इसके फलस्वरूप क्यूनलून और हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ, ठीक है। तो 33 सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्मस्थल भी कह सकते हैं, अर्थात हिमालय से पहले वहाँ पे 33 सागर था जहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। अब हैरी हेस की प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को देखते हैं। इसको 100 शब्द या फिर 30 शब्द या फिर 60 शब्द में भी PSC पूछ सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई। 2 से 3 करोड़ वर्ष यह भूभाग अत्यधिक निकट आ गए, जिनसे 33 के अवसादों में वलन पड़ने लगा एवं हिमालय के उत्थान प्रारंभ हो गया। अर्थात हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो ये 2 सिद्धांत सबसे अधिक मान्य हैं। तो यहाँ पे ये 3 लाइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग हर हाल में याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएँ आकार ले चुकी थी। सेनोजोइक महाकल्प के यूसिन और ओलिगोसिन कल्प में वृहत हिमालय का निर्माण हुआ है। तो यहाँ से प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृहत हिमालय का निर्माण किन कल्पों से मिलकर हुआ है, तो सेनोजोइक महाकल्प और ओलिगोसिन, ठीक है। तो मायोसिन कल्प में पोटवर क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु हिमालय का निर्माण हुआ है। तो याद रखिए, लघु हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो मायोसिन कल्प में पोटवर क्षेत्र के अवसादों के वलन से हुआ है, ठीक है। तो शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन के प्लायोसिन से में हुआ है। याद रखिए, लघु हिमालय और वृहत हिमालय के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसिन कल्प में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा देखते हैं, करेवा जमाव क्या है। दोस्तों, इसको CGPSC 2018 मेंस में 2 नंबर में पूछा गया था। तो देखते हैं क्या है करेवा जमाव। हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप हिमालय नदियों के निरंतर परिवर्तित होते मार्ग एवं जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणियों के पार्श्व में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झीलीय निक्षेपों को करेवा के नाम से जाना जाता है, जिसमें लिग्नाइट प्राप्त होने के संकेत मिले हैं। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि करेवा निक्षेपों में कौन से अयस्क के प्राप्त होने के संकेत मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी पर्वत श्रृंखला का विस्तार। दोस्तों,
ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तरी पर्वत श्रृंखला का विस्तार को समझाइए। ठीक है, तो देखते हैं, ये 60 से 100 शब्द के बीच में है। तो यह भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्व पश्चिम स्थित सबसे बड़ी पर्वतमाला है। तो इसकी स्थिति यहाँ पे देखिए, विश्व की सबसे बड़ी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हमारा जो उत्तरी पर्वत श्रृंखला है, और पूर्व पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ठीक है, यह विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत है। तो इस पर्वत श्रेणी के पश्चिम भाग में गंगा पर्वत के निकट एवं पूर्वी भाग में मिसमी पहाड़ी या नामचा पर्वत के निकट दो तीखे अच्छा संघीय मोड़ हेयर पिन टर्न की भांति मिलते हैं। ये मोड़ प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तर पूर्वी दबाव के कारण निर्मित हुए हैं। तो याद रखिए नामचा पर्वत, जिसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। उत्तल अर्थात उभरा हुआ, अवतल अर्थात दबा हुआ। तो देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल मतलब उभरी हुई आकृति की हो गई है, तथा तिब्बत की ओर धसी हुई आकृति की हो गई है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है। याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व जाते हैं तो जो पर्वतीय भाग है उसकी चौड़ाई घटती जाती है, किंतु ऊंचाई बढ़ती जाती है एवं ढाल भी तीव्र होता जाता है। आगे बढ़ते हैं, हिमालय का मुख्य अक्ष चापाकार रूप में पश्चिम से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक स्थित है। तो इसका विस्तार यहाँ पे यह भी इम्पॉर्टेंट है कि पश्चिम से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है तथा औसत ऊंचाई 150 से 400 किलोमीटर है। तो इस बात को या आप लोग याद रखिए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिटेल देखिए मैप में, जो यहाँ जितने भी पर्वत श्रृंखला हैं उत्तर के, वो सारे उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला में आ जाएंगे। यहाँ पे इतने क्लियर नहीं दिख रहे हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो टॉपिक में अच्छे से देखेंगे। जितने भी पीर पंजाल, कैलाश पर्वत श्रेणी, गाडविन आस्टिन, कुनकुल श्रेणी, पामीर घाट, नंगा पर्वत आदि सभी का अच्छा से अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर से जुड़े प्रीलिम्स में आने वाले क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनका प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि में शिवालिक पर्वत श्रेणी की संरचना हुई है? इसका सही आंसर होगा प्लायोसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्निधि से हुई है? दोस्तों इसको हम लोग थ्योरी पार्ट में पढ़ चुके हैं, इसका सही आंसर होगा टेथिस। थर्ड क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वतों में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वलित पर्वत, अर्थात इसकी जो आकृति है वो वलय आकार की है। ठीक है, इसको SSC CHSL 2006 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो हिमालय है वहाँ पे उससे पहले टेथिस सागर था, जिसके फलस्वरूप हिमालय पर्वत का जो हिमालय श्रेणी है उसका निर्माण हुआ है। जो करेवा जमाव है उसमें किस अयस्क के प्राप्त होने के संकेत मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों इसको मैंने थ्योरी पार्ट में बताया है कि जो करेवा जमाव है उसमें लिग्नाइट प्राप्त होने के संकेत मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के निर्माण के संबंध में भूसन्निधि का सिद्धांत किस भूवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोबर, क्योंकि जो भूसन्निधि का सिद्धांत है वो कोबर ने दिया है। और इसका जो जितने भी सारे प्रदेश पाठ प्रदेश हैं उन सभी का मैं अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।